थोड़ी सी बात पर दबंगों ने एक विधवा महिला और उसके दो बेटों की लाठी डंडे से जमकर पिटाई की और अधमरा कर दिया। द्वारका मोहन गार्डन इलाके में पड़ोसियों के बीच मामूली सी बात पर झड़प हो गई। झगड़े में कई दबंगों ने एक विधवा महिला और उसके दो बेटों की बेरहमी से लाठी और दंडों से जमकर पिटाई की और अधमरा कर दिया। वही आरोपी मौके से फरार हो गए हैं, लेकिन आरोपियों की हरकत पास के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। पीड़ित महिला के शरीर में कई फ्रैक्चर हो चुके हैं और उसका इलाज अस्पताल में चल रहा है। महिला के बयान के बाद मोहन गार्डन थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक रिटायर फौजी है आरोपी। पीड़िता के मुताबिक पड़ोस में हरीश शर्मा और फौजी नाम के व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ रहता था। फौज से रिटायर हरीश प्रॉपर्टी डीलर का काम करता है। कोई औलाद नहीं होने के चलते उसकी पत्नी अक्सर पूजा पाठ और टोटके करती है। कई बार पीड़ित के घर की छत पर टोटके आदि करके पूजा पाठ के सामान फेंके गए, जिसका पीड़ित परिवार ने विरोध भी किया, लेकिन यह सिलसिला जारी रहा। बेरहमी से की गई पिटाई। मंगलवार को जब पीड़िता ने आरोपियों को रंगे हाथों टोटका करके छत पर फेंकते देखा तो विरोध किया, जिसके बाद आरोपियों ने कई अन्य लोगों के साथ महिला और उसके दोनों बेटों को बेरहमी से पीटा। पीड़ित महिला पिछले 3 दिनों से बेहोश थी। होश में आने के बाद पुलिस ने महिला का बयान लिया। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू की है। तो एमएस न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से एमएस इंडिया डाउनलोड करें और इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। तब तक के